मिस्टर खन्ना, अभी मैं कहीं पढ़ रही थी कि आप यू वर अ फ्लावर चाइल्ड, यू वर इम्प्रेस्ड बाय द हिप्पीज एंड यू वर इम्प्रेस्ड इनिशियली इन योर यंग डेज, यू वर इम्प्रेस्ड बाय देम। जब मैंने अपने फादर से ये कहा था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मैं उस वक्त मेरा ख्याल 18 साल का था, 19 साल का। तो besides being thrown out of the house, बाकी सब you know मेरे साथ वो चीज़ें हुई, पर वो एक rebellion हो गई थी उस वक्त कि भाई मैं ये बनना चाहता हूँ, मुझे करने दीजिए। You know, were they supportive, your parents? Very supportive. Later, initially my mother was always supportive, but my father had a little hesitation because he was worried. I came from a business family. He was all prepared to, you know, put me into business. And here is the son is going and joining the bad world of films. Bad world of films, you know. Yeah. But he was very sweet and nice, and he of course changed his attitude later when he saw that I, you know, that I got the success that I and I deserved to be where I was. He was very nice to me then, but initially तो उस वक्त तो हर कोई parent कोई किसी को जाने नहीं देता था film industry। हाँ। Film industry was the big bad world। Okay। अब तो खैर बहुत अच्छा हो गया है। और फिर आपने जब film industry join भी किया तो you became a villain। I mean you became a baddie in the villain film itself। नहीं नहीं villain इसलिए हुआ। मन का मीत is what you started with। हाँ, it was a semi bad role, but the Sunil Dutt जी ने मुझे introduce किया था। और Sunil Dutt जी ने उस वक्त एक script select की थी जिसमें दो hero थे, एक उनके भाई सोमदत्त और एक मैं। वो स्क्रिप्ट उनको मिली नहीं फाइनली, तो फिर उन्होंने बहुत ढूंढा, उन्होंने एक और कोई स्क्रिप्ट ऐसी मिले जहाँ दो हीरो हों। फिर उनको ये स्क्रिप्ट जब मिली तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई देखो इसमें नेगेटिव रोल है थोड़ा सा, मगर तुम ज़रूर करो क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम यू नो यू वॉन्ट बी अ नेगेटिव विलन। बट यू सी बाई डूइंग दिस मुझे इतने अच्छे रोल मिले एज अ विलन, मेरा गांव मेरा देश, सी वन वन द बिगेस्ट हिट्स, और वो इतना अच्छा रोल परफॉर्म करने को मिला मुझे। और उस वक्त मैं हीरो भी कर रहा था, विलन भी कर रहा था, दोनों कर रहा। लेकिन इट टुक यू क्वाइट सम टाइम, आपको काफी दिन लगे टू यू नो चेंज योर इमेज फ्रॉम बीइंग अ विलन टू अ हीरो। नो 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 नो, आई चेंज दैट इन विद इन 6 मंथ्स। I got hero films soon after my first film was released, and I was doing hero, और मुझे विलन की भी फिल्म ऑफर होती, मैं दोनों करता था। अच्छा, आपकी जो भी हीरो ओरिएंटेड फिल्में थी वो ज्यादातर मल्टी स्टारर थी, दे वर एंड यू नो सो देयरफॉर द क्रेडिट वाज ऑलवेज डिवाइडेड। बट उन दिनों में बनती मल्टी स्टारर थी, यू सी द मल्टी स्टारर पीरियड वाज देयर। पहले सोलो हीरोज की भी थी, सोलो भी करते थे हम, और मल्टी हीरो भी करते थे। जैसे मेरी फिल्म इनकार थी, गोल्डन जुबली फिल्म, हत्यारा गोल्डन जुबली फिल्म, ऐसी बहुत सारी फिल्में सोलो हीरोज की भी बहुत सारी फिल्में थी। लेकिन मल्टी स्टारर का पीरियड था, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, सब मल्टी स्टारर्स बना रहे थे, कोई सिंगल हीरो की फिल्म तो बना ही नहीं रहा था। जब मैं छोड़ के चला गया then the again period started of और मल्टी स्टारर में भी आपकी जो बहुत हिट मूवीज हैं लाइक परवरिश या अमर अकबर एंथनी, इन सब में जो क्रेडिट मिला वो अमिताभ बच्चन को मिला। आई मीन ही स्टोल द शो, वेरी गुड, ही मस्ट गेट द, ही मस्ट स्टील द शो, बट यू मस्ट हैव फेल्ट बैड। आई डोंट नो, आई डोंट फील बैड एट ऑल। नो, आई एम श्योर, आई थिंक आई गॉट द ड्यू दैट आई डिजर्वड। आई डोंट थिंक दोस फिल्म्स कुड हैव बीन मेड विदाउट मी। आई डोंट थिंक दोस फिल्म्स, क्या आपको लगता है कि ये सारे यू नो प्रेशर्स जो थे दे फोर्स्ड यू और दे मेंटली प्रिपेयर्ड यू टू गेट इनटू सन्यास, you know, of doing everything good but yet not achieving the success in terms of what probably why I was the only contender to Amitabh Bachchan, there was nobody else, so why should I have any thoughts of not being successful or not being having achieved? I mean the whole entire media was always you know keeping this competition alive and keeping it healthy. So ye to kehne ki baat hai, jaise aap ye keh rahi hain, agar aap 100 आदमियों से पूछिए तो उसमें 50 कहेंगे कि विनोद खन्ना, 50 कहेंगे अमिताभ बच्चन। लेकिन उसके टर्म्स में जो शायद माइलेज मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिली, बिकॉज़ ही बिकेम द सुपरस्टार। मैंने तो छोड़ दी थी ना इंडस्ट्री, मैंने तो छोड़ दी इंडस्ट्री 78 में, मैंने इंडस्ट्री अनाउंस कर दी थी अपनी रिटायरमेंट। उसके बाद मैंने कोई फिल्में साइन नहीं की, मैंने सिर्फ मेरी लास्ट फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ थी मुकद्दर का सिकंदर, जो मैंने कंप्लीट की। वाज इट एस्केपिज्म ऑन योर पार्ट टू गो एंड जॉइन सन्यास? नो, व्हाई शुड आई एस्केप फ्रॉम व्हाट? From the pressures of film world? No, how can you say a person can escape? You know, when somebody has left his entire career, I mean, you also leave your family. Exactly. You know, so that is escapism. मैं कोई पहाड़ों में तो नहीं चला गया, गायब तो नहीं हो गया। Everybody knew where I was. सबको पता था कहाँ मुझे reach कर सकते हैं। मैं कोई भाग तो नहीं गया था कहीं।
एंड जब मैंने छोड़ी इंडस्ट्री 78 में, मैंने 81 तक काम किया, पूरी फिल्में कंप्लीट की अपनी, तो मैं कहीं से भाग नहीं रहा था, मैं काम भी कर रहा था, मेरी फिल्में कंप्लीट करनी थी मुझे, तो मैंने फिल्में भी कंप्लीट की अपनी पूरी। और जब मेरी फिल्में कंप्लीट हो गई, उस वक्त जब ओशो चले गए वहाँ अमेरिका, तब मैं अमेरिका गया और आपने उनको अपना गुरु बना लिया। लेकिन फिर ऐसी कौन सी, मैं किसी को गुरु नहीं बना सकता, गुरु अपना शिष्य बनाता है। इसी गुरु के पास आप तभी जाएंगे जब आपको बुलाएंगे वो, वैसे तो आप जा नहीं सकते हैं। जब आपने इसका डिसीजन लिया और जब आप रजनीश के पास चले गए, संन्यास ले लिया, तो वो बहुत ही यू नो इट वॉज अ वेरी फास्ट डिसीजन। आई मीन इट वॉज अ वेरी थॉट ऑफ डिसीजन, बिकॉज आप अपनी पिक्चरें कर रहे थे एंड यू वर एट द पीक ऑफ योर करियर एंड सडनली यू लीव दैट एंड यू गो एंड बिकम अ रजनीश। आई मीन वॉट वॉज दैट थिंग दैट यू नो मेड यू टेक दैट डिसीजन? See, I told you, मैंने बहुत सालों तक मेडिटेशन कर चुका था ऑलरेडी मैं, और मैं जानता था मेरे अंदर ये यू नो क्वेश्चन था कि और भी है, और भी डीप जाना है, इसलिए I went to a guru. How did you feel? आप जब एक दफा जब आपने संन्यास ले लिया और गुरु की शरण में चले गए, तो एक पूरे अपने लाइफ के चैप्टर को क्लोज कर दिया आपने, और यू नो आप एक रसोईया बन गए और आपने उनके आश्रम पे माली का काम किया, तो इट वॉज अ कम्प्लीट टर्न अबाउट। हाउ डिड यू गो थ्रू दैट? इसी गुरु तो जो कहता है वो तो आप नहीं करेंगे, तो फिर उनको तो आपके बारे में सब पता होता है, तो आपको उस जगह रखते हैं, क्योंकि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप एकदम बैठे रहो बस और ध्यान ही करते रहो 24 घंटे, ये तो कहा नहीं, तो काम भी देते थे करने के लिए, तो उसमें बहुत मज़ा आता था। और वो काम जो मैंने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किए, एक माली का काम, यू नो एक रसोई का काम, रसोई का तो खैर मैं कुकिंग वुकिंग में बहुत इंटरेस्ट लेता था पहले भी, फिर मैं इलेक्ट्रिशियन बना, प्लम्बर बना, मैंने हैवी मशीनरी चलाई, मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी चीज़ें मैंने की, तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस हुए, कंस्ट्रक्शन वर्क किया मैंने, तो ये चीजें मैं कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाता अगर मैं उनके साथ नहीं होता। एंड व्हाट वाज इट वो बहुत सैटिस्फैक्शन मिला आपको इन ये काम करने के बाद? यस ऑफ कोर्स, उसमें क्या होता है कि स्टार की दुनिया अलग होती है। हां, दूसरे काम करने से ये होता है कि आपके अंदर जितनी वो ऐसी चीजें हैं जो अड़चन बनती हैं वो सामने आ जाती हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये काम कैसे दे दिया मुझे, ये सी हर चीज आप सफाई भी कर रहे हैं, अगर आप अपने फर्श की सफाई कर रहे हैं घर की, वो इतनी टोटली करो कि आप रह ही ना जाओ, यू नो योर ओन सेल्फ मस्ट डिसॉल्व इनटू दैट वर्क टोटली, तभी आपको वो अगर मन चलता रहेगा सफाई कर रहे हैं और नहीं नहीं तो सफाई भी ठीक नहीं होगी जो काम कर रहे हैं, और सैटिस्फैक्शन भी नहीं मिलेगी।